टेक्निकल ड्राइंग के कंपास सेट तो मैंने आपको दिखाए थे, आज मैं इसको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इसको हम इसका एक्सटेंशन लगाएंगे। अच्छा, इसको खोलते कैसे हैं? इस व्हील से खोलते हैं। इस व्हील को हम इधर करेंगे तो ये खुलेगा, इस व्हील को यूँ करेंगे तो ये बंद होगा। ये हमने इसको खोल लिया। अच्छा, अब इसका एक्सटेंशन कैसे लगेगा? एक्सटेंशन इसका यहाँ से हम इसका व्हील खोल लेंगे। अगर हमने इसको खोल आड़वों को घुमाना हो जिस तरह से हमने लेना हो, हम इसको ये रिमूव भी कर सकते हैं। ये पेंसिल की लेड है और ये जो है कंपास की निब है। ठीक है, अब ये हमने इसकी जो है निडल निकाली, ये निकल गया। ठीक है, अब हम ये इसका यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा कंपास बड़ा हो गया, ये नीडल का आ गया। यहाँ पे ये रख के अब हम ये लगा सकते हैं। आपको जितना चौड़ा करना हो आप इसको चौड़ा कर लेंगे। ये जो है पेन नीडल है, आप इससे लगा तो सर्कल बना लेंगे। ठीक है, यूँ बना लिया आपने इसका सर्कल। अच्छा, अगर आपने ये लगाना हो ये, तो ये भी इसी तरह लगेगा कि यहाँ पे ये निकल के ये लग जाएगा। ये निकला और ये यहाँ लगा लिया। अब अगर आपने कोई पॉइंटर इसमें लगाना है, पॉइंटर लगा सकते हैं। इसी तरह ये नीडल से यहाँ पे लगा के आप इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये चेंज कैसे होगी? आपके पास एक्स्ट्रा जो है दिए और एक्स्ट्रा स्क्रू भी दिए हैं। ठीक है, अगर आपने ये चेंज करनी हो तो वो ये यहाँ से चेंज होगी। इसका ये ऊपर वाला स्क्रू खोला तो ये आपकी यहाँ से ये निकल गई। ठीक है, अब इसमें से आप ये चेंज कर लें। अगर ये आपकी छोटी हो गई या कुछ भी एक्सपायरी डेट हो गया तो इसी तरह। बस इसमें यही है और ये साइज़ छोटा है इसमें। इसका भी फंक्शन सेम इसी तरह ही है, बस इसका साइज़ छोटा है। अगर आपको साइज़ छोटा लेना हो तो ये पेन है और ये कंपास की नोक है। ठीक है, वापस रखना है, हम इसको वापस से फिक्स कर देंगे। हमने वापस से इसको फिक्स कर दिया, इसको हम जो है बंद कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा ये नट्स ये भी दिए हैं व्हील्स के, और एक्स्ट्रा इसमें स्क्रू भी हैं। और ये पेंसिल की जो लेड होती है वो है जो कि कंपास में एक साइड पे लगी हुई है। ठीक है, ये लगाना भी मैंने आपको बता दिया और ये लगाना भी मैंने बता दिया आपको।